हेलो दोस्तों, कई बार अंतिम महीनों में शिशु गर्भनाल अपने गर्दन में लपेट लेता है और ये किसी भी महिला के लिए परेशानी वाली बात होती है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये जानेंगे कि एक शिशु गर्भनाल क्यों लपेट लेता है, इसके क्या कारण होते हैं और बचाव के क्या उपाय हैं। कई चीज़ों को आपको पहले से ही ध्यान रखना होगा। गर्भनाल लपेट लेने की वजह से कई सारे समस्याएं महिला के साथ आ जाती है। शिशु भी पहले ही पैदा ले लेता है, शिशु को मुश्किल हो जाता है, महिला के लिए भी खतरा बढ़ जाता है। तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। अगर किसी महिला को ऐसी समस्या आ गई हो, डॉक्टर उनको बोली है कि शिशु गर्भनाल लपेट लिया है, तो घबराना नहीं चाहिए दोस्तों। सबसे पहले तो आपको शांत रहने चाहिए, तनाव में नहीं आने चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है। प्रेगनेंसी एक ऐसा समय होता है जहां अगर आप भी लापरवाही करेंगी तो कई सारे समस्याओं को आपको झेलना ही पड़ेगा। अगर किसी शिशु का गर्भनाल वो खुद ही लपेट लिया है अपने गले में, तो ऐसा क्यों होता है ये जानते। जो शिशु समय से पहले जन्म लेने की अवस्था में आ जाता है, शिशु के गले में गर्भनाल लिपटे होने की संभावना बढ़ जाती है। इस समस्या से बचने के लिए प्रेगनेंसी के दौरान ही आपको अपना विशेष ख्याल रखना जरूरी है, ताकि प्रीमैच्योर डिलीवरी आपको नहीं हो, समय से आपकी डिलीवरी हो। क्योंकि शिशु पहले जन्म लेने की नली की तरफ मुड़ जाएगा तो ये समस्या हो जाती है। लंबी गर्भनाल होने के कारण भी कई शिशु को ये समस्या आती है, गर्भनाल लिपटने के चांस बढ़ जाते हैं। प्रसव के दौरान शिशु का सिर सबसे पहले बाहर आता है, लेकिन कई बार शिशु के सही पोजीशन में नहीं होने की वजह से उल्टा पैदा होता है। इस कारण भी ये समस्या आ जाती है कि शिशु के गले में नाल लिपटा हुआ रहता है और ये बड़ा खतरनाक होता है। गर्भाशय में एमनियोटिक फ्लूड भरा रहता है, ये आपको पता है, जिसमें आपका शिशु सुरक्षित रहता है। सही मात्रा में होना बहुत जरूरी है। अगर प्रेग्नेंट महिला का एमनियोटिक फ्लूड ज्यादा बढ़ गया हो, ज्यादा मात्रा में हो, तो शिशु के मूवमेंट ज्यादा होने लगती है, जिसके कारण भी गर्भ में शिशु गर्भनाल लिपटने की संभावना बढ़ जाती है। गर्भ में शिशु हलचल करता है, किक करता है, घूमता है, बड़े सारे हरकतें करता है, आपको बहुत अच्छा लगता भी होगा और ये पल भी बड़ा बेहतरीन होता है। पर कई बार ऐसा भी होता है शिशु ज़्यादा घूमता है, शिशु ज़्यादा किक करता है, इस वजह से भी गर्भनाल में लिपट जाता है। तो डिलीवरी के समय ये समस्याएं काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं डॉक्टर्स के लिए। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, जब गर्भ में जुड़वा बच्चे हो उस समय भी ये समस्या आती है। जब जुड़वा बच्चे हो तो शिशु के गले में गर्भनाल लपेटा हुआ कई बार ऐसे केस में देखा जाता है। तो आपको क्या करना है, शुरुआत से ही आपको ध्यान रखने हैं, डॉक्टर से मिलते रहने हैं। डॉक्टर जब भी अल्ट्रासाउंड के लिए कहती हैं अंतिम महीनों में, वो यही सब चेक करने के लिए कहती हैं कि शिशु की पोजीशन क्या है। गर्भनाल में तो लिपटा हुआ तो नहीं है, पर कई महिलाएं इग्नोर कर देती हैं। उनको लगता है बस ऐसे ही टेस्ट लिख देती हैं मेरी डॉक्टर, पर ऐसी बात नहीं है। वो आपका ख्याल करती हैं, वो आपको स्वस्थ रखना चाहती हैं, वो आपके डिलीवरी को नॉर्मल करना चाहती हैं। सिजेरियन डिलीवरी होने के चांस बढ़ जाते हैं जिस शिशु का गर्भ नाल लिपटा हुआ होता है उनके गर्दन से। तो मैं आशा करती हूँ अपना ख्याल रखेंगी, डॉक्टर से मिलते रहेंगी, अपने खाने पीने पे और रूटीन पे ध्यान देंगी। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताएं। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।